भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब इन्हों बाद जमहूरी किसान सभा पंजाब के सूबाई आगू जसविंदर सिंह जी ढेसी तैयार रहन जी। लगातार 52 दिनों तो मोर्चे दे विच डटे मेरे जुझारू भरावो ते मेरे भैणों, ज्यों ज्यों ये किसान जथेबंदियों वालों किया होया ऐलान के 26 जनवरी नूं दिल्ली च बढ़ के परेड करांगे ये नेड़े आ रहा, त्यों त्यों दिल्ली की जिहड़ी केंद्री हुकूमत है उहदी धड़कण तेज हो रही है, उहदी धड़कण तेज होण दीआं जिहड़ीआं निशानियां ने, उहदी धड़कण तेज होण दे जिहड़े सिम्पटम है मैं उहनां बारे गल करनी है। मैं कल भी बोलिया सी भी उहनां ने इस मोर्चे का जिन्ना समर्थन इहनूं मिल रहा देशां विदेशां तों सारे सूबियां तो सारे वर्गों तो उन्हूं घटाउण दी खातर उन्हूं ठल पाउण दी खातर इन्हां ने तरह तरह के हथ कंडे वरतने शुरू करते हैं। मैं गिणिया सी भी इन्हां ने जिहड़े गीतकार है गायक है जिन्हां ने 4 महीनों तो साडे नाल गा रहे हैं स्टेजा तो लिख रहे हैं उन्हां नूं नोट्स कढ़े है उन्हां ते परचे दर्ज कीते है श्री बराड़ अर्गे जिहड़े उगे लेखक है गायक है। इस तो बिना इन्होंने जिहड़े साडे ट्रांसपोर्टर भरा सपोर्टर जिहड़े ट्रांसपोर्ट राही फ्री सेवा करके साडियां बीबियां नूं साडे भरावां नूं इस मोर्चे तक पहुंचाउंदे सी जिन्हां दे विचों उगा नां इक लुधियाणे जिले का इंद्रपाल झज जी दी ननकाणा साहिब ट्रांसपोर्ट है, वो उस दिन तो लुधियाने तो रोजाना बीबियां नूं इस मोर्चे च लेके आउंदा ते इत्थों वापस लेके जांदा है। उस नूं जिहड़ी आह कौमी जांच एजेंसी है NIA उहनूं ते उहदे दो होर जिहड़े मित्र आ जिहड़ा तेल पाउंदे सीगे बस दे विच उहनां तिन्नां जणिआं नूं नोट्स कढ के सद्दिआ इत्थे दिल्ली भी तुहानूं आ जिहड़ा तुसीं बस चला रहे हो फ्री है, तुहानूं विदेशां चों फंडिंग हुंदी है सोथों पुछणा थोड़ी पुछगिछ करनी है, इसलिए सारे जरूरी काम छड के फलानी तरीक नूं दिल्ली पहुंचो। उहे जे जां जिहड़े होर कईआं नूं ईडी है जिहड़ी किसी दे कारोबार दा विच गैर कानूनी करार देण दी खातर जिहड़ी नोट्स कढ़दी है वह ईडी वालों नोट्स कढ़े गए इहे जे जिहड़े उहनां ने हथ कंडे आ डराउण वाले धमकाउण वाले बांह मरोड़ के चुप कराउण वाले हथ कंडे वरते है। इहदे नाल ही जिहड़ा उहनां ने हुण नवां आ पिछले जिद्दे 11 तरीक नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई सीगी इस मोर्चे नाल संबंधित केसां दी उस दिन इन्हां ने एक नवां चाल चली है, नवां हथियार जिवें कहिंदे हुंदे एक तीर नाल दो शिकार मारन वाली चाल चली है। उन्होंने उत्थे शिकायत कराई है आपदे वकील वल्लों जजां दे सामने भई इस मोर्चे नूं खालिस्तान पक्षी ताकतां ने अपने कब्जे च लै लिया ते हुण इतों बाद इहदी अगवाई जिहड़े खालिस्तान चाहुण वाले जिहड़े लोक है खालिस्तान पक्षी जथेबंदियां उह इतों बाद इहदी अगवाई करनगियां उन्होंने हथ च कमांड चली गई। उह 26 जनवरी तो पहला खालिस्तान पक्षी ताकतां कोई वड्डा गड़बड़ धमाका कर सकदियां ने, इह उन्हां ने लिखती रूप दे विच अपने वकील राही शिकायत सुप्रीम कोर्ट दे विच करवाई। भावें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहता भी तुसीं सानू सबूत लिया के दिओ तुहाडी जिहड़ी कोई खुफिया एजेंसी है IB है जां कोई होर एजेंसी है वो इहदे हल्फिया बयान दर्ज करके कोई ठोस सबूत पेश करे फिर कोई उहदे ते कार्रवाई हो सकती है। सो ए भरावो थोनू तुसीं 2 महीने हो गए 52 दिनों के लगभग हो गए सारा जो इस अंदोलन दियां मुद्दे है वह बार बार दोहराए गए हैं भी जिहड़ियां किसान जथेबंदियां जां संयुक्त किसान मोर्चा है इस मोर्चे दियां दो ही हुण मुद्दे रह गए असल विच जिन्हां ते केंद्रित है।
पहला मुद्दा तिने काले कानून रद्द होण, दूजा मुद्दा जिहड़ी MSP है भा बनण वाली जिहड़ी तय करन वाला सिस्टम है MSP है उहदी कानूनी गरंटी होवे। ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, सारिया मीटिंगों के विच दो मुद्दों तो बिना कोई तीजी गल नहीं छड़ी। किसी बुलारे ने कोई तीजा कोई पोलीटिकल मुद्दा स्टेज तो नहीं लिया। ये बावजूद भी ये कह रहे हैं भी ये खालिस्तान पक्षी ताकत ने कब्जा कर लिया। सो भरावो, ये राही दो एक तीरना दो शिकार किमें मारना चाहते हैं। पहली गल, इस आधार बना के, इस बेबुनियाद दोष आधार बना के, ठीक है किसी ने इतने लखा लोग आए हैं, सारे दिया अड्ड अड्ड अपन विचारधारा ने अड्ड अड्ड पोलीटिकल निशाने हैं। किसी का 222 जितना निशाना हो, किसी का असैम्बली जितना, किसी का पार्लीमेंट जितना निशाना हो, किसी का खालिस्तान लिया निशाना हो, ये हो सकते हैं किसी के। पर इतों स्टेज तो किसी भी पोलीटिकल एजेंडे अज तक ना लिया गया, तो ना कोई लिया चाहता कोई। सो जे यह फिर भी यह हवा खड़ा कर रहे हैं, ये पिछे पहला निशाना उन्हों का यह है भी यह बेबुनियाद हवा खड़ा करके सोडा जोड़ा 26 जनवरी वाले जो तो एक्शन प्रोग्राम है परेड करने वाला दिल्ली के किसी ना किसी लोड़ सुप्रीम कोर्ट तो पाबंदी ला ली जाए। तो फिर असी कह दिए भी भाई हुण तां सर्वोच्च अदालत ने पाबंदी लाती, हुण सानूं यह जिहड़ा दिल्ली च परेड करने वाला जिहड़ा प्रोग्राम है कैंसल कर देना चाहिए। एक तो यह हासिल करना चाहते हैं, भावें कि जथेबंदियों ने ऐलान पहला भी किया अज भी कर देने हैं भाई, भावें सुप्रीम कोर्ट भी रोक ला दे, पर जिहड़ी दिल्ली की 26 जनवरी वाली दिल्ली के बिच जाके परेड करने वाली हैगी वह कैंसल नहीं होगी। यह ऐलान हो चुका, 26 जनवरी यदि परख हो जूगी ऐलान की। दूजा हासिल की करना चाहते ने, दूजा टीचा इस हवा खड़ा करने पिछे इन्होंने अज तो पहला हुण तक आ जिहड़ी कौमी जांच एजेंसी है, यह हुण तुसीं माड़ा जिहा मैं तुहानूं ऐ भी साफ कर दिया भी यह कौमी जांच एजेंसी कि पुलिस है, किहड़े सूबे की पुलिस है, केड़ी केंद्र की पुलिस है। एक भरावो किसी जिले की नहीं, किसी सूबे की नहीं, किसी केंद्र की नहीं, ये जिहड़ी कौमी जांच एजेंसी वाली पुलिस है, ये बंदे नूं चकदी है घर चों, चक के लिया के भी आ परचा देता तेरे ते चल अंदर। कोई थाणा नहीं, कोई SSP नहीं, कोई DGP नहीं, सन च यह सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह ओदी घरेलू ओदी प्राइवेट फोर्स है यह कौमी जांच एजेंसी। सिद्धी जो अमित शाह ने कहता उही करती है, कोई जो ये करूगी ओनू किसी जिले का किसी सूबे का DGP भी ओनू जवाब नहीं दे सकूगा भी तू मेरे सूबे च आके तू आ बंदा चक के क्यों ले गए। सो यह जी खतरनाक एजेंसी है लोगों से दहशत पाने की खातर। अज तो पहला 57 सिख नौजवानों से इन्होंने परचे दर्ज किए हैं इस NIA ने, तो उन्होंने जेलों च सिटिया, तो जे उन्होंने तुम 57 दियां FIR कढ के पढ़ो तो सारे की इको स्टोरी है। जिवें 84वें दे दौर दे विच इको ही कहानी घड़ी सी जदों किसी ने झूठे पुलिस मुकाबले च मारना हुंदा सी भी इह भाई असी नाका लाई खड़े सी, असी इन्हों रोकया, रुके नहीं, मूरों दोनों धिर वालों फायरिंग होगी तो फायरिंग के मारिया गया। सारिया झूठे पुलिस मुकाबलों की कोई स्टोरी होंगी सी, उमें हूँ जोड़ा NIA जोड़िया FIR उन्होंने सारे की इको स्टोरी है। वह की है भी इन्होंने नौजवानों
जा इस नौजवानों नू असी नोट्स कढ़िया सी भी तू आके इत्थे पेश हो तेथो पुछगिछ करनी है। ये पर पेश नहीं होया, सानू इहदी सीआईडी मिली भी फलानी सड़क तो नहीं जा रहा। असी मूहरे नाका ला लिया, यह नाका देख के भज लिया, असी घेर लिया। घेर के जो असी पुछगिछ की मन गया भी मेरी फलाने देश की खालिस्तान की जथेबंदी नाल मेरे संबंध है। आही स्टोरी है सारे इको स्टोरी। सो प्रभो इन राही यह दूजा मकसद हासिल करना चाहते हैं भी जिवें पहला मुसलमानों दिल्ली के मुसलमानों दूजे सूबे के मुसलमानों उन्होंने खिलाफ जज्बात भड़का के उन्होंने डराया, उन्होंने झूठे केस बना के उन्होंने घर च बंद किया, उन्होंने कतल किए है। इवें हुण उदू बाद इन्होंने दूजा नंबर जिहड़ी सिख धार्मिक घट गिणती है मुसलमानों तो बाद हिंदुस्तान की दूजे नंबर की सिख धार्मिक घट गिणती है जिहड़ी उहनू डराउण दा भी इह दहशत पाउण दा निशाना हासिल करना चाहुंदे है। उहदी मैं इक्को ही मिसाल दिंदा, अंब साहिब गुरद्वारा सारे गए होंगे अपना चंडीगढ़ मोहाली दे हद ते है, उत्थों इक ने इह मगर पए इह जिहड़ी एन आई आई वाले ते उहनां नूं पता लगे जो मुंडे भी मैं यह केस च पाउणगे। वह दलता का मुंडा से खुदकुशी कर गया, इन्हों का दहलिया होया, इन्हों का डराया होया। यह जे पता नहीं किन्ने इन्होंने होर डरा के नौजवानों मरने लिए मजबूर किया। सो भरावो यह दूजा निशाना यह है इन्हों, पर असी दोने निशाने नहीं सफल होने देने, इन्हों दे दोने निशाने फेल करने हैं। तो 26 जनवरी दिल्ली के बढ़ के परेड करनी है, लखां किसानां ने उद्दे दिल्ली दे विच आउणा है ते सानू सद्दा दिंदे आ। पहला वाले बुलारिआं ने भी दित्ता, एसी घोल जित के मुड़ना, कोई भी दुनिया की ताकत तो रैली नू रोक नहीं सकूगी। असी किसे मंजूरी नहीं लैणी, असी किसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं करनी। दिल्ली च रैली करनी है 26 तरीक नू। अगली गल मैं सानू दसना चाहुंना, जदों इह मोर्चा जितया गया, एक घोल जितया गया, तो इन्हें पंजाब की नहीं हिंदुस्तान की जिहड़ी सियासी हालत है, सियासी फिजा बदल देनी है। पिंडां दे विच मोर्चे नूं जित्तण तों बाद किसानां दी मजदूरां दी भुगत होगी, होर चौधरियां दी कोई भुगत नहीं होगी। जो किसान मजदूर पिंडां दे करनगे चाहणगे वह होगा, होर कुछ नहीं होना। पिंडां दे विच किसानां मजदूरां दी भुगत दा राज होगा मोर्चे तो बाद। हाँ जी, अपने जथा आ रहे मोर्चे च शामिल होने की खातर सारी स्टेज वालों स्वागत करते हैं। तो इस करके भरावो 26 जनवरी दियां तैयारियां ने वो मुकम्मल कर लो। तो 26 जनवरी का जिहड़ा अपना कह लो भी पड़ा है, जिहड़ा यह तीजा पड़ा होगा, तीजा मील पत्थर होगा। पहला मील पत्थर असी 2 महीने पंजाब दे विच घोल लड़ के कायम किया, दूजा मील पत्थर असी सरहदां दा जड़गा पंजाब दीआं सरहदां ते रोकां तोड़ के दूजा मील पत्थर मोर्चे दा कायम किया, तीजा मील पत्थर असी सड़कां जाम करके कायम किया। तो हुण जिहड़ा चौथा मील पत्थर है यह 26 जनवरी कायम होना, चौथा मील पत्थर दिल्ली दीआं सड़कां ते जाके परेड करन तों बाद। ते मैं दावे ना कहना अखीर दे विच भी जिहड़ा इह किसानां दा लगातार अगे वध रिहा मोर्चा, यह जिहड़ा जेतू रथ है किसान मोर्चे दा, इहनू कोई रोक नहीं सकूगा, कोई मोदी नहीं रोक सकूगा, कोई अडानी वाली नहीं रोक सकूगा, यह रथ अगे वधूगा। इन्ना कहना होया मैं सारे वीरां दा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तों अगले